लाखों दर्शकों का भरोसेमंद न्यूज चैनल R9 भारत। सिद्धपुर के पास हुए हादसे में 10 यात्रियों की हालत गंभीर। ब्राह्मणवाड़ा के पास 40 यात्रियों को ले जा रही बस के पलटने से कंडक्टर की मौत, 35 घायल। ब्राह्मणवाड़ा गांव के पास जब बस चालक ने स्टीयरिंग व्हील से नियंत्रण खो दिया तो बस पलट गई। पालनपुर से छोटा उदपुर जा रही बस का स्टीयरिंग लॉक होने से चालक नियंत्रण नहीं कर पाया और चौराहे पर उतर कर पलट गई। ब्राह्मणवाड़ा के पास सिद्धपुर उंझा राजमार्ग पर एक एसटी बस से चालक ने नियंत्रण खो दिया और बस सड़क के किनारे एक चौराहे पर पलट जाने 35 से अधिक यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं बता दें कि बस के कंडक्टर की मौके पर ही मौत हो गई। चालक के नियंत्रण खो देने पर बस के पलटने से यह हादसा हुआ। पालनपुर से छोटा उदपुर जा रही यात्रियों को ले जा रही एक एसटी बस रात करीब 9 बजे उस समय दुर्घटनाग्रस्त हो गई जब ब्राह्मणवाड़ा गांव के पास सिद्धपुर ऊंझा हाईवे पर स्टीयरिंग लॉक हो गया और बस चालक नियंत्रण खो दिया और बस पलट गई, जहां बस के पलटते ही अंदर बैठे यात्रियों की चीख पुकार और बस की तेज आवाज सड़क पर गूंज उठी। इसमें आपको बता दें कि 10 यात्रियों की हालत गंभीर थी। दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत भी हो गई और 35 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं सड़क पर गुजर रहे वाहनों चालकों ने बस में फंसे लोगों को बाहर निकाला। घायल यात्रियों को तुरंत सिद्धपुर सिविल में स्थानांतरित करा दिया गया। इलाज के लिए 2 एम्बुलेंस समेत निजी वाहन, सूत्रों के मुताबिक करीब 10 यात्रियों की हालत गंभीर बताई जा रही है और उन्हें आगे इलाज के लिए धारपुर रेफर कर दिया गया। दिखाते हैं पूरी खबर विस्तार से। R9 भारत से दिनेश की रिपोर्ट। भूपत भाई, कैसे क्या रुकनी बस थी? અકસ્માત કઈ રીતે થયો? સ્ટેરિંગ બ્લોક થઈ ગયું એના કારણે. અને કેટલા પૈસા પેસેન્જરો હતા? 50 જેટલા. બરોબર.